नहा धो के ऑल सेट हो चुके हैं, अब आके देखते हैं कि लक्की क्या कर रहा है। चलो। और शीन क्या हो गया मेरा बेटा? हाँ मेरा बेटा, हाँ मेरा बेटा, क्या कर रहा है मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। आ रहा हूँ मैं, चलो अभी यहीं बैठो। पहन लिए कपड़े फाइनली? तो क्या कितने बजे चलना है फिर ये बता। रेडी चप्पलों में? चप्पलों में ले, एक बार मेरा आउटफिट दिखा दे। अभी तो यही सिस्टम है, थोड़ी देर में बात करता हूँ, रुक जाओ, फ़ोन कर लूँ, तैयार हो जाऊँ, गाड़ी में बैठ जाऊँ, फिर मैं बात। मेरी कैब भी आ गई है भाई लोग, अब देखते हैं पूरा हुआ है नहीं हुआ। ऐसे हो गई थोड़े से सामान और पूरा हो गया है, अब आ गया। ओहो, पैसे अंदर रख लो, थोड़ा सा इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा, गिन के दे दो चुपचाप। लो शीन, मेरा बेटा क्या हो गया? हाँ सिट, वहीं बैठो, वहीं बैठो, सिट। मेरा अच्छा बच्चा है ना, ध्यान रखेगा ना तू, है ना? मैं आ जाऊंगा जल्दी, ठीक है? अरे सब रख लिया मैंने यार, जान दो मुझे, ठीक है? लवाएंगे की दे दो। चलो चलो भाई, शीन पहले चल रही है, इसे देख लो भाई। बाय शीन, बाय शीन। हाँ इसमें क्या, देख ले, देख ले क्या चल दी है भाई अपनी सफर के। और क्या कर रहा है ये? गंदी हो रही गाड़ी, बहुत गाड़ी तो गंदी हो रही है। अरे लाट साहब है हम, ऐसा थोड़ी ना, गाड़ी गंदी हो रही है, आगे से भी देख लो एक बार। भाई क्या दुनिया भर के भजमपुरा के लोगों के नाम ये रख दिए हैं? अंजलि यूके, समझ नहीं आया भाई, पता नहीं। चलो कोई नहीं, है ना यार, यहाँ से निकल के बात करूँ। चलो जी ट्रिप स्टार्ट, बोलो शंकर भगवान की जय। चलो भाई कहाँ चल रहे हैं? मसूरी, मसूरी जा रहे हैं भाई लोग, तो अब देखते हैं। बोलना है कुछ? नहीं भाई, हम क्या बोल रहे हैं? नहीं बोल लो। नहीं नहीं भाई, अरे कुछ तो, अरे कुछ तो भाई, मैं आराम से बैठे। चलो भाई गाने वाने एक बार बन सकेगा, कॉपीराइट से आ जाते थोड़े से, अब देखते हैं रास्ता कहाँ तक जा रहा है। यार दीपू इतनी तेज को चला रहा गाड़ी, अबे यार ये जाने की, इससे बोल जल्दी भाई, बहुत जल्दी है जाने की, पता चल रहा बड़े भाई पीछे चल रहे, तभी छोटा भाई आगे को जा रहा है। इसे इसे समझ, इसे समझ नहीं आ रही कि भाई धीरे धीरे चलाना, हम अच्छी फैमिली से है यार, हम धीरे चलाते हैं। हमारी स्पीड देख लो भाई, हमारी स्पीड देख लो एक बार, 100 चल रही है बस, इतनी हैवी पे। और इस बंदे को देख लो कितना तेज चला रहा है, और हमारे साथ ही जाना है, ऐसे ज्यादा दूर भी नहीं है, अपने साथ का ही बंदा है। चलो तुम थोड़ा सा राइड एंजॉय कर लो भाई, दीपू की राइड। हमें तो पता ही नहीं था ये पॉज का भी ऑप्शन होता है इसमें, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बोलूंगा, चाहे ब्लॉग में कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं भाई, क्या क्या हाल है? बड़े एकदम मस्त मस्त। ये लाल बुशर्ट पहन के कहाँ जा रहा है भाई? मसूरी जा रहा है। ये दो गाड़ी हमारे साथ है भाई, एक क्रेटा और एक स्विफ्ट जिसमें हम चल रहे हैं। चार बंदे इसमें, दो बंदे उसमें। अब दो बंदे उसमें इसलिए क्योंकि उनके पापा के पास पैसा ज्यादा है। हमारी किस्तों में गाड़ी, उनके पापा ना जोड़ जोड़ के मुआवजा वाला पैसा भाई, मतलब होता मुआवजा वाला वो भी है, मेहनत का ही होता है यार वो भी, पर वो किस्मत का है, मुआवजा नाम अलग है, किस्मत का पैसा है भाई। चला तरीके से ला दीपू गाड़ी, ट्रकों ने तो जान ही खा रखी है ज़्यादा। चुप हो जाता हूँ, मैं साइड में बैठ जाता हूँ, मैं बिल्कुल वीडियो में नहीं आना चाहता ना, मैं फेमस होना चाहता भाई। प्लान में थोड़ा सा चेंज है, ठीक है?
दीपू पहले आगे जा रहा था, ठीक है, और सच में दो गाड़ी जा रही थी हमारे साथ। पहले दीपू जा रहा था आगे, दीपू मुड़ चुका है वापस क्योंकि उसकी एक एमरजेंसी कॉल आ गई है और उसके पापा नहीं जा रहे। वैसे तो हम उसके पापा को बोल के आए थे कि सामने तुम्हारे साथ जा रहा है, बट कोई नहीं, चला गया। और अब हम पहुँचने वाले हैं कहाँ पे, मेरठ पहुँचने वाले हैं, जहाँ पर हम एक छोटा सा स्मॉल टी ब्रेक लेंगे। वो मैं दिखा दूँगा क्या क्या हम टी के नाम पर क्या पी रहे हैं, ठीक है। चाय पीते हैं, ठीक है। चाय पीने के बाद वहाँ से हम हर्ष को कॉल करेंगे, हर्ष मेरठ ही रहता है, वहाँ से हर्ष आ रहा है और अभी जस्ट हर्ष का फोन आया था, बाकी देखते हैं क्या होता है। रोहित थोड़े ना जा रहा हमारे साथ, मेरा टोल पहुंच गए। ऋषिकेश, मसूरी, हरिद्वार, यानी कि इधर की साइड कभी जाओ कभी भी, तो हाईवे मेरठ टोल पार करने के बाद एक हाईवे आए, एक टोल पे ही सीधा जाके ये आएगी शॉप। यहाँ पे चाय पीने के लिए जरूर रुके हैं, हम रुके हैं चाय पीने के लिए। अंदर बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, चलो अंदर आ जाओ। मम्मी तुम्हारी चीज़ खोल दी, ठीक है, फिर मत बोलना कि वो नहीं करिए। ये भाई पराठे और अचार, इसमें है अचार और एक डब्बा और होगा, उसे भी निकालो। इसमें है अरवी, ये भाई अलग आया हमसे, अलग बहुत तगड़ा डब्बे के अंदर डब्बा है। इसमें भी अचार है ब्रो, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर अचार। डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर अरवी। भाई यहाँ से निकल चुके हैं, चाबी उठा ली है मैंने, चलो आई ड्राइव, ड्राइव तुम्हारा भाई करेगा। डिग्गी खोल देते हैं भाई, एक सेकंड रुको, डिग्गी को ऑप्शन खोल दी भाई, डिग्गी भाई। अब यहाँ से जा रहे हैं कोई तो जगह दी, जगह नाम बोल गया मैं, चलो उन्हें आन दो फिर भी। मम्मी देख लो गाड़ी स्पीड में ही चला रहा हूँ मैं, 60 की स्पीड पे एवरेज देखी पूरी, ठीक है। जय और वीरू जा रहे हैं दोनों आगे, ये नहीं हटेंगे। गुड हवा आ गया भाई इस रोड पर, तो मतलब ठीक है। अगर सरकार ने लाइट नहीं दे रखी ना यहाँ पे, मुझे नहीं पता, मतलब मैं किसी पॉलिटिक्स का वो नहीं कर रहा, मतलब अगर यहाँ पे लाइट वगैरह नहीं है इतनी, तो ढाबों की वजह से प्रॉपर उजाला रहता है रोड पे, मतलब कोई ऐसा सीन नहीं है कि रात में मतलब बिल्कुल ही अंधेरा हो, ये हो वो, कुछ भी नहीं है ऐसा कि अंधेरा हो भाई, लूटपाट हो जाएगी, ठीक है। मेरठ गैंगस्टर का एरिया है भाई, मेरठ वालों पूरा ऑफेंड मत हो जाना मेरे से थोड़ा सा, ठीक है। मेरठ के लड़के आज भी मेमोरी कार्ड को चिप बोलते हैं कि मेरी चिप है, मतलब जहाँ जहाँ ढाबे हैं वहाँ पे लाइट नहीं है, और जहाँ जहाँ ढाबे नहीं है वहाँ पे लाइट दे रखी है। माइंडेड सरकार हो रही है, माइंडेड। बाबूजी हमारे गमछा पहन के बैठ गए हैं यहाँ पे, यूपी सरकार में घुसते ही गमछा यूपी वालों को फेमस है। हक से वी आर हिंदू, हिंदू शेर, ठीक है। तेरा मुंह आ गया चाय पीते ही भाई, मैं इसकी ना रोशनी ज्यादा तेज पड़ रही है मुंह पे। यूके की गाड़ी जा रही है, इसका मतलब हम यूके में एंटर हो चुके हैं,
मतलब ये बता रहा मैं कि हम मसूरी जाना है और कहीं सिस्टम नहीं हमारा भाई। भाई भाई गोली चल गई, गोली चल गई गाइस 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 गोली चल गई। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। अबे भाई क्या था ये? ओ यार एपिक हो गया था, एपिक। भाई रुड़की पहुंच गए थे, हमने ना एक गलत टर्न ले लिया जिसकी वजह से हमें मतलब वो वाला पूरा ऐसे 10 किलोमीटर आगे से आना पड़ा। रुड़की वाला रोड है, हमें बेसिकली जाना था कैंपटी फॉल, तो आगे से हमारा यूटर्न है, यूटर्न लेके आए हैं, आगे से हमें कट मिलेगा। यहाँ से हम आगे से कट लेंगे। कितने किलोमीटर पे कट है हमारा? ये ऐसे हो गए 1.5 किलोमीटर। एक डेढ़ किलोमीटर मैप में देख लेते हैं। अभी भी भाई 2 घंटे 35 मिनट बचे हैं, जिसमें 109 किलोमीटर हमें कवर करना है। एज पर द मैप हम 3 बजे पहुंच जाएंगे सुबह। राइट, टोटल अभी भी हमारा 600 मीटर बुक नहीं हुआ है। अब ये देखो, ये वापसी दिख रहा होगा तुम्हें, दिल्ली का ऑप्शन वहाँ पे क्योंकि हम यू टर्न चले गए थे। अब यहाँ से मुझे लग रहा है लेफ्ट। गाइज ये पहला चैनल है, ठीक है, जिसमें मैंने ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करी है। अब तुम्हारा प्यार है, बाकी क्या क्या करना होता है उसमें? लाइक सब्सक्राइब एंड सपोर्ट एंड शेयर। ठीक है दीनू भाई, क्या करना होता है? लाइक सपोर्ट फॉलो। ओके लक्की, क्या करना होता है? like, भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब ओके एंड सपोर्ट करना जरूर, ठीक है। और अगली बार अगर तुम हमें 4 लोगों को ही दोबारा ट्रिप पे देखना चाहते हो तो वो भी कमेंट करके बता देना। पर ये बंदा तो सोता हुआ ही आता है, ये लाल दिल वाला ये खाता हुआ है, गाड़ी चलाता हुआ है, और हमारा भाई और ये ट्रक हमारे साथ घोड़ा आ रहा है। भाई टनल आ गई है, कौन सी टनल है ये? अटल टनल से भी बड़ी टनल है ये। भाई एक नंबर लग रही टनल है, अब बर्फ है, मतलब आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा है भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा आगे का भाई। अटल टनल तो बढ़िया दिखा था भाई, देहरादून नहीं जा रहे, पहले मसूरी जा रहे हैं, फिर वहाँ से जाएंगे रोड, फिर वहाँ से जाएंगे कैंपटी फॉल, फिर आते हुए बाबा की नगरी। बोल शंकर भगवान की जय। बोले बाबा के नाम को तो जयकारा लगना ही चाहिए यार। देहरादून सिटी में हम याद एंटर हो चुके हैं, यातायात नियमों का पालन करें। ये देखो नियमों का पालन में देखो, हट गई ये गाड़ी उठा के लेके जा रहे नियमों के पालन में। भाई घंटाघर पहुंच गए हैं फाइनली, घंटाघर भी दिखाएंगे भाई लोग आपको। तो पहला स्टॉप हमने लिया है घंटाघर, भाई कितना प्यारा लग रहा है। तो भाई पहला स्टॉप हमने ले लिया है घंटाघर पे, ठीक है, मतलब नॉर्मली देखने के लिए, जो कि मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। और दूसरी चीज हम पहले कहाँ पे जा रहे हैं, पहले कहाँ पे जाएंगे? सहस्त्रधारा में पहला स्टॉप लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे जस्ट कैफे पीछे ही है। भाई बिल्डिंग बड़ी प्यारी लग रही है, रात में पर दिख नहीं रही होगी, पर काफ़ी अच्छी लग रही है। भाई यूके वालों सल्यूट दिल से। भाई वो रूट जा रहा है सहस्त्रधारा को, और ये रूट जा रहा है मसूरी को। इस सहस्त्रधारा में बहुत फेमस एक बल्दी रिवर है, जो कि बहुत फेमस पिकनिक स्पॉट माना जाता है ना। तो वो उसकी जो टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक ही है। तो अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 2:30, मतलब रात ही हो गई, अभी तो कोई टाइम है नहीं बेसिकली जाने का। तो बाकी सुबह जाएंगे, अभी जा रहे हैं हम सीधा माल रोड मसूरी, उसके बाद सुबह जाएंगे कैंपटी फॉल।
भाई मंदिर आ गया, एक मिनट लाइट चला दूंगा। कौन सा मंदिर है ये? ये है श्री प्रकाशवेवर, श्री प्रकाश शेवर महादेव मंदिर। पर भाई रात में जितना दिख रहा है ना, बहुत प्यारा मंदिर बना रखा है यार। शिव मंदिर है भाई, ये सिस्टम है भाई। एक अपडेट देनी है, अभी ना मसूरी मैगी पॉइंट पे हमने मैगी खाई, ठीक है, एक नंबर मैगी थी भाई। पर वहाँ पे एक गाड़ी वाले थे, उन्होंने पता नहीं सामान वामान लिया होगा, मतलब मैगी और चाय वगैरह उन्होंने खाई है रात में। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, ठीक है, और मतलब अगला बंदा मतलब गाड़ी में चल रहा है यार, 50 रुपये में तुम ऐसे कर रहे हो, मतलब देना नहीं चाह रहा था वो बंदा उसको ना पैसे, पैसे देना ही नहीं, जबरदस्ती पैसे लिए उस बंदे ने उससे। और उसके बाद भी मतलब क्यों करते हो यार, बंदे रात भर यहाँ पर बैठे रहते हैं तुम्हारी सेवा करे, जाके तुम रात में पहाड़ों में आओ, और जो एक पहाड़ों का फूड होता है बेसिकली मैगी, मैगी के लिए ही जाना जाता है यार, है ना। तो मतलब क्यों करते हैं यार नुकसान, वो भी तो कमा रहे हैं ना, तुम भी कमा ही रहे हो, 40-50 रुपये में तुम इतना खर्चा करके आते हो, 40-50 रुपये में देने में क्या प्रॉब्लम जा रही है। तो चलो खैर कोई नहीं, बंदे का नेचर एक नंबर था भाई। अब तुम यहाँ की नेचर नहीं देखो कैसा हो रहा है, अभी भी पहुँचे नहीं है। मसूरी नगर पालिका में एंट्री करते ही 60 रुपए का, सिर्फ 60 रुपए का टोल लगा है, मतलब एंट्री फीस है, वो टोल ही क्या है भाई। आवाज सुन रहे हो तुम, आवाज आ रही थी पानी की, सुनी थी भाई, भूतिया प्लेस है। कान बार बार बंद हो रहे हैं यार, ये देखो एक बार व्यू देखो, रात में तो मैं क्या ही व्यू दिखाऊंगा यार, सुबह दिखाऊंगा, सुबह तो मजा आ जाएगा। बता नहीं पा रहा मैं कितना एक्सप्रेस, मतलब मजा आ रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा मैं फीलिंग भाई। ये देख ना भूत बैठा मेरे साथ, एक ठंड भाई। यहाँ पे मसूरी की जगह हमें मसूरी राइट, उत्तरकाशी राइट, तहरी राइट, धनौल्टी राइट, और बाकी कैंपटी फॉल जो हमें इधर जाना है। अब ये बताओ कि हम राइट चलें या लेफ्ट चलें? अभी पहले राइट चलते हैं, राइट, ओके। अभी हम चल रहे हैं मसूरी की साइड, ठीक है। यानी कैमरा ऐसे कैसे हो गया था, अपना हुआ था अभी भाई। अभी ना गाड़ी पीछे की साइड भी जा रही थी, मतलब देखो मैं कैमरा एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी नहीं पा रहा अपना। स्टॉप कैंप एरिया क्लोज हो भाई, मैं मिक्स भी करके बोल रहा हूँ यार, गो स्लो ग्लो स्लो, क्या सिस्टम हो रहा है, ये समझ नहीं पा रहा सिस्टम। टेम्परेचर वो मैंने 0.5 पे कर रखा था, इसलिए वैसा आ रहा था भाई। तो डिमिर हो रहा है बंदा भाई, मैं तो भाई लोग थोड़ा बहुत कोशिश करने के बाद वीडियो बनी है, रूम मिला है, ठीक है, जैसे जैसे करके रूम मिल गया, बाकी देखते हैं रूम कैसा, रूम कोड तो करा दूंगा। ये शुरू होते ही ख़त्म तो भाई ये एक बेड है, ठीक है, शीशा हो गया अपना, एक बेड ये है, और ये अपना लगेज वगैरह रखा है, और ये वॉशरूम में अभी यहाँ पे दूसरा बंदा गया हुआ है। बाकी बाहर से अगर मैं व्यू दिखाऊँ तो मैं तोड़ दूँ क्या बाहर से, कुछ भी नहीं है, पर हाँ सुबह अच्छा लगेगा, अभी तो नहीं है। बाकी देखो, ओह ये भी आ गए, लो भाई वॉशरूम भी देख लो,
ये है भाई गीजर है अपना और ये शीशा वीशा पूरा सिस्टम है। तो ये कपड़े वपड़े का ये पूरा रूम है। तो भाई फाइनली हम मसूरी पहुंच गए हैं। सुबह निकलेंगे कैंपटी फॉल और कैंपटी फॉल निकलने के बाद हम देखते हैं फिर आगे कहाँ कहाँ प्लान बनता है। बहुत थक गए हैं, बाकी वीडियो सुबह बनेंगे।